तो नीतीश कुमार हाल ही में विदेश दौरे से लौटे हैं और उसके बाद माना जा रहा है कि अब वो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं और इस मंत्रिमंडल विस्तार को लोकसभा चुनाव से पहले का एक अहम संयोजन माना जा रहा है। कई समीकरणों को साधने की कोशिश यहां पर एनडीए करता हुआ नजर आ सकता है। तो देखिए दो बड़े हलचल जिस पर आज नजर रहनी है जो पटना में होगी 3:30 बजे नीतीश कैबिनेट का विस्तार माना जा रहा है कि अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे और वहीं 4 बजे नीतीश कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी प्रशांत झा पटना से जुड़ रहे हैं। प्रशांत जरा बताइएगा कि क्या 3:30 बजे का तय है वक्त और 4 बजे जो बैठक बुलाई गई है यानी मंत्रिमंडल का विस्तार करने के बाद सीधे जल्दी से कैबिनेट की बैठक? जी बिल्कुल सही कहना है प्रणय। देखिए अब तक जो सूचना मिल रही है उसमें यह हुआ है कि गवर्नर जो बिहार के हैं राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर आज 11 बजे में उनका बोधगया में कार्यक्रम है जहां पर वो देश भर के जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं उनके एक सम्मेलन का उद्घाटन करने बोधगया गए हैं और वहां से लगभग 2 बजे लौट के आ जाएंगे और उसके बाद कैबिनेट का विस्तार संभव हो पाएगा। और ये जो समय है जो अभी सोर्सेस बता रहे हैं कि ये 3:30 बजे के रखा गया है इसलिए कि ठीक 4 बजे कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई है और इस बैठक के लिए पहले से ही सूचना जारी कर दी गई थी। तो 4 बजे कैबिनेट की बैठक भी सचिवालय में मंत्रिमंडल कक्ष में है, उससे पहले जो मंत्रिमंडल का है वो विस्तार कर लिया जाएगा। ये तो ही टाइम शेड्यूल की बात है, लेकिन अगर सियासी समीकरणों की बात की जाए तो ये जो मंत्रिमंडल विस्तार है ये कितना बड़ा होने जा रहा है, इसमें कौन कौन से नाम शामिल हो सकते हैं और किस तरीके से ये चुनावी समीकरणों से पहले का एक फाइनल एडजस्टमेंट माना जा रहा है? देखिए प्रणय ये कोई जंबो जेट मंत्रिमंडल नहीं बनाया जा रहा है, अभी लगभग 1 से 1.5 दर्जन लोगों को यहाँ शपथ दिलाई जाएगी लेकिन इसमें सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ख्याल रखेंगे नीतीश कुमार, क्योंकि देखिए कि सामने चुनाव है लोकसभा का और ऐसे में बिहार के हर इलाके के हर जाति के हर सामाजिक जो उनकी व्यवस्था है उसको वो साधने की कोशिश करेंगे और साथ में ये भी उनकी कोशिश होगी कि कोई छूट नहीं जाए क्योंकि सारे लोगों को वो उम्मीदवार बना नहीं सकते हैं नीतीश कुमार या एनडीए नहीं बना सकती है। तो ऐसे में ये कोशिश की जा रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार करके लोगों के मनोभाव को शांत किया जाए और उनको अपने साथ रखा जाए और इसीलिए ये कैबिनेट का विस्तार करने की बात चली है। जैसे ही नीतीश कुमार विदेश से लौटे हैं उसके बाद से इसकी सरगर्मी तेज हो गई थी और इसमें देखिए जो बड़े नाम हैं वो नाम अगर बीजेपी की तरफ से बात करें तो उसमें मंगल पांडे का नाम आ रहा है कि उनको भी शपथ दिलाई जा सकती है। इसमें श्रेयसी सिंह जो कि जमुई इलाके से आती हैं और दिग्विजय सिंह जैसे पुराने समाजवादी नेता की पुत्री हैं उनको भी इसमें मौका दिया जा सकता है। साथ में हरिभूषण सिंह बचौल का भी नाम है, तो राणा रणधीर सिंह जो राजपूत बिरादरी से आते हैं और मोतिहारी पूर्वी चंपारण से आते हैं उनको भी शपथ दिलाने की इसमें सूचना मिल रही है। इसके अलावा आप जेडीयू की बात करें तो जेडीयू में भी जो पुराने मंत्री हैं उनको भी दोहराया जाएगा और साथ में संजय झा चूंकि अब राज्यसभा के सदस्य हो गए हैं तो उनकी जगह पर महेश्वर हजारी जो कि पासवान है, पासवान जाति दलित जाति से आते हैं और ये समस्तीपुर इलाके में काफ़ी प्रभुत्व रखते हैं तो इनको भी यहाँ मौका देने की इस बार तैयारी है। लेकिन पहले तो महेश्वर हजारी एमपी लोकसभा की टिकट मांग रहे थे लेकिन उनको कैबिनेट में मौका दे करके जो सोशल इंजीनियरिंग है वो नीतीश कुमार की उसको पूरी तरह से यहाँ फिट बिठाने की कोशिश की जा रही है प्रणय। बिल्कुल कई समीकरणों को साधते हुए यहाँ नीतीश कुमार नजर आएंगे लेकिन प्रशांत झा जो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के इस विस्तार के साथ पटना में जो अटकलें चल रही थी कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो सकते हैं अब उन पर जरूर विराम लग जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रणय, क्योंकि ये शुरू से ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार इस बार जैसे ही महागठबंधन छोड़ करके एनडीए का उन्होंने दामन थामा है तो उसके बाद वो चाहते हैं कि विधानसभा का चुनाव साथ हो जाए। लेकिन जिस तरह से आप यहाँ पर मंत्रिमंडल का विस्तार होने की बात चल रही है, जिस तरह से जो समीकरण है एनडीए का जो सीट शेयरिंग है उसको भी फाइनल रूप आप देने जा रहा है एनडीए और बीजेपी लगभग आज इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर देगा, तो ऐसे में ये साफ हो गया है कि सिर्फ लोकसभा चुनाव होंगे और नीतीश कुमार अभी 2025 तक ही बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे और बिहार में जो विकास की गाड़ी है जो डबल इंजन की सरकार कही जा रही है उसको आगे बढ़ाएंगे। एक बात आपको बताना चाहते हैं प्रणय, नीतीश कुमार के बीजेपी में साथ आने से एक फायदा जरूर हुआ है
कि इस बार जो पहले से विवाद होता था सीट को लेकर के, कैबिनेट में जाने को लेकर के, उसका आप पूरे पटना पूरे बिहार में कहीं कुछ नहीं देखेंगे। सीधे तौर पर जिनको भी शपथ दिलाना है, जिनको टिकट दिया जाना है, सबको सूचना मिल जा रही है, लोग अपनी तैयारी में जुट जा रहे हैं। प्रणय, बिल्कुल सभी अपनी तैयारियों में जुटे हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर, और बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रशांत आपका। आप नजर बनाए रखें, इस खबर से जुड़ा जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आपको Zee News पे देंगे। Zee News।